सीजन 15 के घर में आखिरकार करण कुंद्रा ने उमर रियाज को क्या कुछ कह दिया है। वेल, आखिरकार करण कुंद्रा का उमर रियाज को इस तरह से फटकार लगाना कितना सही है और कितना गलत, क्या कुछ है पूरी अपडेट, क्या है पूरी खबर, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल, आपको बता दूँ कि बिग बॉस सीजन 15 के घर में इस वीकेंड के वार पर सलमान खान ने पहले तो करण कुंद्रा को खूब फटकार लगाई कि आखिरकार जब करण कुंद्रा जो तेजस्वी प्रकाश से इस तरह से बुरा बिहेव करते हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और तो और करण कुंद्रा का बेस्ट फ्रेंड जब उमर रियाज तेजस्वी प्रकाश के पीठ पीछे तेजस्वी के बारे में कुछ भी बोलते रहता है लेकिन करण कुंद्रा सब कुछ सुनकर भी इग्नोर करते हैं तो ये कैसा बिहेवियर है? तब तो आपके लिए फीलिंग्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, आप कोई केयर नहीं करते, आपको सिर्फ अपनी दोस्ती प्यारी है, माँ के आपका प्यार प्यारा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें करण कुंद्रा को सलमान खान ने कहा, लेकिन यहाँ पर सलमान खान के इन बातों पर करण कुंद्रा बिल्कुल भी चुप रहे, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब एक नया टास्क आया, जी हाँ, गर्ल फैमिली के गुब्बारे वाले टास्क में करण कुंद्रा ने उमर रियाज के गुब्बारे को फोड़ा और यहाँ पर उमर रियाज को कहते नजर आए कि तुझे कोई भी हक नहीं है तेजस्वी प्रकाश के बारे में पीठ पीछे कुछ भी बोलने का। अगर तू मुझसे ट्रस्ट एक्सपेक्ट करता है, फ्रेंडशिप एक्सपेक्ट करता है, तो बदले में तू भी देने की कोशिश कर। इस तरह से पीठ पीछे वाली बात मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, आगे से ऐसा बिल्कुल मत करियो। वेल, इस तरह से उमर रियाज को हिदायत तो दे दी है करण कुंद्रा ने। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार उमर रियाज को इतनी हिदायत के बाद क्या करण कुंद्रा की बात को उमर रियाज मानेंगे या फिर नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट और बिग बॉस से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।